लेजर अल्टर में जाके बनता है कंपनी। जैसे मान लो यहाँ पे वी प्रेस करके आ गए, यहाँ पे कोई लेजर बनाना है तो कैसे बनाओगे? शॉर्टकट की बताए थे। देखो लेजर बनाना या स्टॉक आइटम बनाना दोनों यहीं से हो सकता है। कैसे? वो तो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की से आप बिल्कुल बना सकते हैं अल्ट सी का प्रयोग करके। और अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं या स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो आप गेटवे ऑफ टैली, ये टैली की मेन मेन्यू होती है, टैली की मुख्य मेन्यू, यहां से भी आप बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ऊपर आपको क्रिएट दिखाई दे रहा है, क्रिएट पे एंटर जाके एंटर कीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाता है लेजर। तो आपको जो भी लेजर बनाना है यहाँ से बना लीजिए, बाकी स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है, जो भी बनाना है यहाँ से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर यूनिट भी बना सकते हैं, सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टॉक आइटम मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं लैपटॉप, लैपटॉप लिखता हूँ, देखते हैं ये है, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे यूनिट बनाना है। अच्छा बताइए लैपटॉप बिकेगा या खरीदेंगे तो किसमें खरीदेंगे, क्वांटिटी क्या होगी आपकी, नंबर्स होगी? तो यहाँ एनओएस नाम का एक पहले से बना हुआ है हमारे पास यूनिट, तो हम एनओएस यहाँ पे ले लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर जो है ना ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है आपके पास। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ 20, लैपटॉप आपके पास कितना है 20 है, तो ये डाल दिया। अब यहाँ देखिए गोडाउन भी बनाया मैंने, तो देवरिया गोडाउन में इसे डाल देते हैं, ठीक है। रेट क्या रहा? खरीद रेट रहा 30,000 रुपये, कितना रहा 30,000, तो ये 30,000 कर दिया। आप एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये हो गया आपका, ठीक है। एक एंट्री, ये एक स्टॉक आइटम बन गया। अब ये दिखेगा कैसे? तो देखिए यहां से जाके देख लेते हैं, अल्टर में जाके देख लेते हैं हम। तो हमें कहाँ जाना है? स्टॉक आइटम में जाना है। अभी अभी हमने किस नाम से स्टॉक आइटम बनाया? लैपटॉप के नाम से। तो ये देखिए लैपटॉप वाला स्टॉक आइटम दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है, वैल्यू भी दिख रहा है कि कितना वैल्यू है, 6 लाख रुपए की वैल्यू की आपकी सारी चीजें। अब ये ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे तो ये फायदा रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, दोनों तरीके से बन सकता है, स्टॉक आइटम भी और लेजर भी। इन दोनों तरीकों का यूज करके देख लीजिए, स्टॉक आइटम बना करके यहाँ से भी और शॉर्टकट की मदद से तो आप बनाते ही हैं, ठीक है।